Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Bugging donors के साथ क्या है कि चलो अगर बहुत ज़्यादा हम कुछ dark दिखा रहे हैं तो उसको तब उतना dark ना दिखे लेकिन कम dark दिखे. लेकिन comedy के साथ ये होता है या तो वो होती है या वो नहीं होती. I think क्योंकि हमारी जो वो बोलते हैं कि भाई तपस्या में क्या मांगा. जी. तो हमने ज्ञान मांगा था. हमने जो है फेम नहीं मांगा था, हमने ज्ञान मांगा था. अब आपका हर काम जो है पहले की तरह ये नहीं कि जितने लोग देखेंगे देखेंगे, नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे, वो वाला फील नहीं आता. Now there are a few rules that you have to follow and restrictions जो भी है वो है जो जिससे मैं honestly बोलूं तो agree नहीं करता. Yeah. All right, hi everyone, welcome to India Forums, and today we have with us two of probably the finest actors. I mean, इतनी सारी ये तारीफ इन्होंने शायद सुनी होगी बहुत बार, but ये फिर भी ये सारी की सारी तारीफ और सारे के सारे accolades deserve करते हैं. And it's no secret that of course we're talking about Jaideep Alawat and Mohammad Zeeshan Ayub. Thank you guys, thank you for joining us. Thank you for us. Thank you for us. Fantastic. And of course शुरुआत ही सबसे patent question से करते हैं, जो आई एम श्योर आप जवाब दे दे के काफी थक गए होंगे, लेकिन जरूरी होता है. प्लीज हमें अपने किरदारों के बारे में बताइए इन द सी5 शो ब्लडी ब्रदर्स. हम डिफरेंटली करते हैं, मैं जिशान के किरदार के बारे में बताता हूं. जरूर जरूर. जिशान इज प्लेइंग माय यंगर ब्रदर इज कॉल्ड दलजीत ग्रोवर. एक बहुत ही इनोसेंट सा और बहुत ही एक प्यारा सा, बहुत ही ऑनेस्ट एक भाई है, जो कि ऑलमोस्ट सारी जिंदगी अपने बड़े भाई की शैडो में बड़ा होता है, और वो जो कहता है उसको वो एक तरीके से कमांड की तरह लेता है, और शायरी में पसंद है उसको, पोइट्री किताबें पढ़ना पसंद है, और वो बड़ा ही पॉपुलर सा एक रोमांटिक आदमी है जिसका कभी कोई प्यार पूरा होता नहीं है, एक काइंड ऑफ सिचुएशन है. पर यहाँ ये बैकग्राउंड है, यहाँ से कहानी की छोड़ चुकी होती है कि दोनों भाइयों में बहुत ज्यादा नजदीकियां नहीं है, लेकिन एक घटना के साथ जहां से हमारी कहानी शुरू होती है वहां से इस बैकड्रॉप पे क्या क्या हम दोनों के बीच में होता है और कहां कहां से कहानी घुसती है, दलजीत की लाइफ में क्या क्या होता है बड़े भाई की वजह से या अपने लव इंटरेस्ट की वजह से या बाकी चीजों की वजह से, तो ये है दलजीत ग्रोवर काइंड ऑफ. परफेक्ट. और जयदीप प्ले कर रहे हैं जगजीत ग्रोवर, जग्गी बेसिकली, जग्गी ग्रोवर, जो एक बड़ा ही कंट्रोल फ्रीक जैसा आती है. उसको सब कुछ क्या मेरे हाथ में रहे, सब कुछ मेरे उसमें रहे, बहुत पैसा बना चुका है, बहुत सक्सेसफुल आदमी है, लॉयर है बहुत बड़ा, और छोटे भाई का अपनी जान ख्याल रखता है, पर उसके लिए वो है कि अरे यार ये इसको कुछ समझ में आता नहीं है, तो आई शुड टेक केयर ऑफ हिम. तो उसके चक्कर में जो है वो कई बार थोड़ा सा उसे ज्यादा अपने कंट्रोल में रखता है, और फिर जहां से ये शुरू होता है उसके अपने अपने काम के चक्कर में, पैसों के चक्कर में, वो इतनी सारी चीजों में है कि आसपास की पर्सनल लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं इग्नोर करता हुआ कि अरे यार ये सब फालतू चीजें होती है, आगे बढ़ो वाला एटीट्यूड है एक. और फिर जहां से जैसे जदीप अभी बोल रहा था कि कहानी यहाँ से शुरू होती है, तो ये सारा इसका पीछे की सारी बातें हैं, कॉन्फिडेंट और एक वैसा आदमी, पावरफुल आदमी, फादर लाइक फिगर. यहाँ पे जब शुरू होता है तो दोनों एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं कि अब इसमें निकलना जरूरी है. तो बात यह है कंट्रोल फ्रीक है, पर चीजें हाथ से बाहर जा रही है, तो उसमें जो उसकी परेशानियां हैं, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, और वो कैसे उसको संभालने की कोशिश कर रहा है, और उससे जो एक केओस क्रिएट होता है, पर जिस चीज पर हाथ मार रहा है वहां से निकल के कोई नई चीज शुरू हो जाती है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो जो पूरा जाल में फंसा है एक सेन आदमी जो समझ पा रहा है सिचुएशंस को, जो अगर एक भी चीज करने में जो समझ पाता है कि भविष्य में क्या होगा, इस क्या इसके रिपरकशंस होंगे, उस आदमी के साथ सारा केओस मच रहा है. तो आई थिंक दैट इज हाउ आवर स्टोरी अनफोल्ड्स. फैंटास्टिक. आई थिंक यही मतलब एक डेफिनेशन होता है ऑफ बीइंग फैंटास्टिक एक्टर्स. एक दूसरे के किरदार भी आप इतने अच्छे से जानते हैं कि आपने इतनी अच्छी डिस्क्रिप्शन दे दी, दैट इज फैंटास्टिक एब्सोल्युटली. यू नो, नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लडी ब्रदर्स, ऑफ कोर्स एक तरह का ट्रेंड हो चुका है स्पेशली इंडियन वेब सीन में, कि हमने देखा है कि मिस्ट्रीज, ड्रामास, थ्रिलर्स, ये सारे जो जॉनर के शोज या फिल्म आती है वो बहुत अच्छे से काम करती है. बट फॉर सम रीजन
things like comedy या you know something probably something which is not really explored, उस तरह की चीजें या तो आई ही नहीं है अभी तक उतना web, Indian web scene पे, या तो उतना काम नहीं करती. And which Bloody Brothers has a good blend of the you know having humor also, और वो पूरा dark comedy वाले zone में जाता है. तो why do you firstly tell me why do you think कि comedy जैसा एक genre जो कि इतना difficult होता है actors के लिए, वो उतना काम नहीं कर पाया है या वो explore नहीं किया गया है, but at the same time ये बाकी सारे genres इतने अच्छे से चल रहे. मुझे लगता है कि किया जा रहा है धीरे धीरे, पर थोड़ा मुश्किल होता है. मतलब मुझे लगता है ये जोन थोड़ा सा मुश्किल होता है क्रैक कर पाना, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग. और अगर मुझे थोड़ी सी भी ऑफ होती है ना तो क्रैक चला जाता है. मतलब बाकी जोनर्स के साथ क्या है कि चलो अगर बहुत ज्यादा हम कुछ डार्क दिखा रहे हैं तो मतलब उतना डार्क ना दिखे लेकिन कम डार्क दिखे. लेकिन कॉमेडी के साथ ये होता है या तो वो होती है या वो नहीं होती. और वो सेंस जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है. मुझे लगता है कि ये एक बड़ा रीजन था मेरे लिए तो ईशान के इस कहानी को लेने का, क्योंकि दोनों के लिए वो एक नया समथिंग न्यू टू एक्सप्लोर होने वाला था. और शायद वो चैलेंज इसलिए भी आसान हो गया बाद में कि आप दूसरे एक्टर के ऊपर भरोसा करते हैं उस चीज को लेके कि आप कुछ करोगे तो वो फ्लैट मिल जाएगा. पॉपुलैरिटी इतने कुछ सालों से, लेकिन व्हाट्स अमेजिंग इज कि आप दोनों की जो फिल्म जर्नी है वो काफी सिमिलर इयर्स में शुरू हुई थी, 2010-2011. So and of course like one of you is an NSD graduate, dusra is from FTII. So aap logo ne matlab aap log you come from the acting school, you don't really come from the superstar school as we know otherwise. How do you think you know you've progressed throughout your journey, each of you? Because aap obviously we all know ki aapko kitne time baad ye recognition aur ye sari cheeze mil rahi hai ab jaake. Aapko kya lagta hai ki ye jo pure technically over a decade ho gaya aapko yahan pe, to aapko kya lagta hai ki aapki journey kaisi rahi hai? आई थिंक जर्नी जो है वो बढ़िया रही है और स्लोली चीजें शुरू हुई है कि अच्छा आपको एक किरदार मिला जो थोड़ा छोटा है, फिर वहां पे आपने कुछ काम किया. आई थिंक क्योंकि हमारी जो वो बोलते हैं कि भाई तपस्या में क्या मांगा जी, तो हमने ज्ञान मांगा था, हमने जो है फेम नहीं मांगा था, हमने ज्ञान मांगा था. तो वो ये है कि उसका रास्ता थोड़ा जो है वो मुश्किल है, पर वो ज्यादा पुख्ता है. मुझे लगता है एक बहुत अश्योरिंग बात के ये मतलब थैंक्स फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट, पर जिस तरह से आपने भी बोला या बाकी लोग भी बोलते हैं, बात यह है कि 10 साल में इस तरह का कुछ पाना ये अपने आप में एक बात है. तो यानी कि आपके क्राफ्ट में आपने अपने क्राफ्ट में काम किया था जो ज्यादा जरूरी है इस फील्ड में, तो वो धीरे धीरे शुरू हुआ. पर आई थिंक रिकग्निशन मिलता रहा, ऐसा नहीं है कि एकदम से हुआ. अभी थोड़े बड़े लेवल पे आप इसे काम शायद कर पा रहे हैं क्योंकि वही छोटे छोटे से छोटा रिकग्निशन मिला, फिर थोड़ा कुछ वक्त होता था जब आपको कोई काम नहीं आ रहा तो शायद आप लोगों के दिमाग में उस तौर पे नहीं है, पर जैसे ही कोई दूसरा काम आता था आदमी बोलता अरे तो वही एक्टर है ना, तो उसको था अरे आप बहुत अच्छा एक्टर, देन और एड हुआ. तो आई थिंक जो अभी मिल भी रहा है हम ये नहीं बोल सकते कि पीछे वाले का उसमें कुछ नहीं. आई थिंक वो सारा बिल्ड होते होते बहुत एक ऑर्गेनिक वे में यहाँ तक पहुंचे, तो आई थिंक बहुत सेटिस्फाइंग और एक बढ़िया रोलर कोस्टर राइड जैसी बहुत अच्छी जर्नी रही. जयदीप मैं कल सब कुछ कह दिया जिशान ने, द सेम थिंग एग्जैक्टली द सेम थिंग इन द वे कार्ड वर्किंग. आपको काम से काम मिलता रहा कि यार ये सर बंदे ने अभी कुछ किया है तो उसको कुछ और ट्राई करते, बीच बीच तो गैप आते रहे, बट मुझे लगता है कि वही एक नींव बन गए वो सारे के सारे काम. एक मकान बनने के नीचे के नींव है वो, कि आज सडनली फिर कोई जब इतने सालों के काम के बाद सडनली कोई आपके पास तांडव लेके आता है, आपके पास कोई पाताल लोक लेके आता है, तो कुछ उस बिलीफ के साथ आते हैं कि वो मानते हैं कि वो कहानी आप हैंडल कर पाओगे. तो आई थिंक वो जो बिलीफ इतने सालों में बना वो एक काम की वजह से नहीं होता है या सडनली आपके NSD या FTI की वजह से नहीं होता है, वो आपके लगातार उस काम को ईमानदारी से करते रहने की वजह से हुआ है. और डेफिनेटली इस बात का जरूर फर्क पड़ता है कि आप एक इंस्टीट्यूट से हैं, कि मुझे लगता है ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं कि वो चूट पे हो पर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है.
तो हमें अपने अपने रिस्पेक्टिव जो हमारे स्कूल रहे उससे उससे समझ जरूर बेटर बनी। वही बात है कि तब तक से हमें ज्ञान ही मांगा था वहां बैठ के, तो वो दिया ऊपर वाले ने और फिर फ्रेम फॉलो कर ही लेता है मुझे ज्ञान की एटलीस्ट फाइनल कभी ना कभी तो कर ही लेगा। Absolutely, that's true. And you know, मुझे हमेशा ये fascinating चीज लगती है, you know, when it comes to actors and especially actors like you, जो कि जिनको recognition इतनी late मिली है, especially you, जयदीप, पाताल लोक हम सब जानते हैं कितना कैसे आपको जो लोग you know बार बार उसे overnight success जिसे term करते हैं, हम जानते हैं वो कभी भी overnight नहीं होता, लेकिन you know वो होने के बाद कभी भी आपको ऐसा लगता, did you feel that pressure? आज जब यू नो आपने और दूसरे एक शो में काम कर लिया या अभी आप ब्लडी ब्रदर्स कर रहे हैं, कभी भी वो प्रेशर लगता है कि मुझे अब उस तरह के रिकॉग्निशन के लिए लिव अप करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज एवरीबॉडी इज अ लॉट मोर अवेयर अबाउट मी? प्रेशर तो नहीं कहूंगा, ये हम बार बार कहते आ रहे हैं कि प्रेशर फील नहीं होता है बिकॉज प्रेशर देने की तो नहीं आए थे फील्ड में, पर ये हाँ ये जरूर है कि अब आपका हर काम जो है पहले की तरह है, ये नहीं कि जितने लोग देखेंगे देखेंगे नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे, वो वाला फील नहीं आता कि चलो ये अब मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ पर लोग बेसिकली फिल्म अगर अच्छी चली तो मेरा भी लोग देख लेंगे, वो वाला जो उनकी बात। पर अभी ये है कि आपको ये पता है कि आप कुछ लेके आओगे तो लोगों की नजर रहेगी उस पर, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर फील होती है कि आप कोशिश करो कि आप उनको एंटरटेन करो, उनको अच्छा काम ईमानदार काम दिखाओ और उसी भावना के साथ आप काम चूज करते हो, कई बार सही कई बार गलत, पर ईमानदारी में कमी नहीं रहती है कि काम के प्रति ईमानदारी में कमी नहीं है, वो हमेशा वैसे ही है जैसे पहले बोले। फैंटास्टिक, दैट्स ट्रू। बस अभी दो और सवाल, एक बीइंग यू नो अगेन एज आई सेड अबाउट क्राइम मिस्ट्रीज, इस तरह के मिस्ट्री बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट अप मिस्ट्री थ्रिलर, हम जानते हैं कि देयर इज अ डेथ दैट हैज हैपेंड एंड उसके वजह से जो जो रिपरकशंस होने वाले हैं, इसका एक फ्लिप साइड ये भी होता है कि अगर आपने somehow एक ऑडियंस को कॉन्स्टेंटली ग्रिप रखा है, अगर 5 एपिसोड है 6 एपिसोड है जितने भी है, लेकिन अगर उसका जो बिग रिवील होता है या जो सस्पेंस का रिवील होता है वो बहुत अंडरवेलमिंग हो जाता है, तो एक व्यूअर somehow बहुत अजीब फील करता है, इन अ वे ये भी फील करता है कि ओह ओके इतना बिल्डअप होने के बाद उतना। आपको लगता है कि when it comes to Bloody Brothers or any other show of such genre, it is very important to balance it out, because अगर आप क्लाइमैक्स में अगर आप खुश नहीं हुए तो इस तरह के शो में तो आप शायद वो शो को कहीं ना रेकमेंड करोगे ना आप वापस कभी देखोगे उस तरह से। आई थिंक बिल्कुल सही बात है कि आपका वो बैलेंस जरूर होना चाहिए, आप जितना प्रॉमिस कर रहे हैं आपको कम से कम उतना तो सर्व करना ही, अगर ज्यादा नहीं कर पा रहे अंडरवेलमिंग अगर आप अपना क्लाइमैक्स रखेंगे खासतौर पर एक थ्रिलर तो उसका कोई मतलब नहीं, वो होना ही चाहिए। बट वन थिंग आई कैन से फॉर श्योर इज के Bloody Brothers के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसका जो पे ऑफ है दैट इज नॉट एट ऑल अंडरवेलमिंग, वो एक बहुत अच्छे लेवल पे रिवील होता है। एंड एज वी आर सेइंग कि वो रिवील जो है वो सिर्फ जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके के जोन पे होते, तो Bloody Brothers का भी क्लाइमैक्स इतना अच्छा मिक्स है, इतनी सारी चीजों का, उसमें इमोशन भी है, उसके अंदर सस्पेंस भी है, उसके अंदर थ्रिल भी है, उसके अंदर देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, सो आई थिंक Bloody Brothers का क्लाइमैक्स बिल्कुल अंडरवेल्ड नहीं। Perfect, that I am sure that is very assuring for everybody. Finally, you know, जैसे कि हम सब जानते हैं कि तांडव किस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी में चला गया था, तांडव की वजह से जो तांडव हुआ था आउटसाइड वो भी सबको पता था, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि क्या हुआ क्या नहीं, बट उसकी वजह से आई थिंक देर वॉज अ मोमेंट वेर एवरीबडी थॉट कि अब जो जिस तरह का ये प्रॉब्लम या जिस तरह की चीजें पहले सिर्फ फिल्मों में या टीवी शोज को फेस करनी पड़ती थी इन टर्म्स ऑफ सेंसरशिप बोल लो या इन टर्म्स ऑफ ये बोल लो कि लोगों की तरफ से जो बैकलैश मिलता है वो अब ओटीटी पे भी होना शुरू हो गया था, वेर एज ओटीटी यूज टू बी द सेफ स्पेस, यहाँ पे आप थोड़ा ब्रेव कॉन्टेंट बना सकते हैं, आप लोगों को लगता है कि उस चीज की वजह से ये चेंज हुआ है इन द पास्ट ईयर और सो जो कि दूसरे शोज आए हैं, या आपको लगता है कि वो बस एक जो एक था एक मोमेंट अब चला गया एंड वी आर बैक टू नॉर्मल? देखिए मतलब नॉर्मल मुझे नहीं पता, पर हाँ मतलब इट्स अ न्यू नॉर्मल, और देखिए गाइडलाइंस तो है, ठीक है ऑफिशियल गाइडलाइंस है, तो ऑब्वियसली जैसे पहले सेंसर बोर्ड हुआ करता था तो वो जो है वो सर्टिफिकेशन बोर्ड है, बट स्टिल व्हाटएवर, तो आई थिंक वो सेम चीजें जो है वो ओटीटी पे है, पर आई डोंट थिंक कि
बहुत ज्यादा कोई उससे इतना ज्यादा बुरा फर्क पड़ा है. आई थिंक लोग अपनी जान, जिनको जो कहना है वो कह ही रहे हैं और जिनको नहीं कहना है वो नहीं कह, वो तो पहले भी नहीं कह रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा है, बट हाँ ऑब्वियसली अब गाइडलाइंस आ गई हैं तो हाँ, नाउ देयर आर अ फ्यू रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो एंड रिस्ट्रिक्शंस, जो भी है वो है, जो जिससे मैं ऑनेस्टली बोलूं तो अग्री नहीं करता, बट या दैट इज वो है. करेक्ट, दैट्स ट्रू. Fantastic. बस अभी पार्टिंग नोट पे हमें ये बताइए कि आपको फैंस को आप किस तरह से बताएंगे कि ब्लडी ब्रदर्स क्यों देखना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल ट्रोप्स. सब जानते हैं मिस्ट्री थ्रिलर है, मजा आएगा उस तरह से, बट एक एक ऐसा कोई एस्पेक्ट जो आपके हिसाब से आपको बताएंगे कि ब्लडी ब्रदर्स देखना चाहिए. एट द सेम टाइम मुझे ये भी बताइए कि अब आपकी एस्पिरेशन एज एक्टर्स क्या है, हैविंग डन सो मच, किस तरह का कैरेक्टर या किस तरह का जॉनर करने की. जैसे कि हमने बताया कहानी में उतार चढ़ाव बहुत है, तो आपको वो देखने बहुत मजा आएगा. और डार्क कॉमेडी के स्पेस में आप थ्रिल भी देखोगे, आप फैमिली ड्रामा भी देखोगे, वो सब है. और आई एम श्योर आप तुमने दिशान और जयदीप को कभी एक साथ इतने लंबे टाइम तक स्क्रीन करेंगे, डेफिनेटली एक फैक्टर होने वाला है. और बहुत अच्छी एंसेंबल कास्ट है, सतीश कौशिक जी हैं, श्रुति है, टीना है, जितेंद्र जोशी हैं, माया जी हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं. तो वो एक इस तरह के एक एक प्लेटफॉर्म पे इतने सारे अच्छे एक्टर्स होना मुझे लगता है कि हमारे लिए भी, हम दोनों के लिए भी बहुत ही एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस था. और जहाँ तक बात जॉनर्स की है तो अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है. तो आई एम ओपन टू एनीथिंग व्हिच इंट्रीग्स मी एज एन एक्टर के मुझे उसमें चैलेंज मिलेगा, तो आई एम लुकिंग फॉर दैट. Fantastic. Zeeshan, आप बताइए अगर आपका कोई ऐसा aspiration character या genre हो. नहीं, same, बिल्कुल जो अभी जयदीप ने बोला, I think वही है कि भाई अगर मैं इंट्रीग हो रहा हूँ, मैं सरप्राइज हो रहा हूँ वो पढ़ के, that is the most important thing. और तो ऐसा कोई ड्रीम कैरेक्टर कह रहे यार ये करते हैं वो करते हैं ऐसा कुछ है नहीं, पढ़ के मजा आना चाहिए और लगना चाहिए कि अरे हाँ यार ये नहीं किया ये करना है, मुझे इंटरेस्ट आना चाहिए. All right, perfect. Guys, thank you so much. मेरा बस चले तो मैं घंटों बात कर सकूं, but of course हम सबके पास time की problems है. It has been such a pleasure talking to you. I really look forward to the show and look forward to anything you guys do ahead. Thank you so much. Hey guys, check out our revamp website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.